असीम, ये एक बड़ा कंसर्न माना जा रहा था कि अगर कंपनी तय समय सीमा से पहले अपने 5G रोल आउट नहीं कर पाती है तो शायद 5G रोल आउट का जो जो इनको एक लाइसेंस मिला है वो शायद रद्द भी हो सकता है। तो ये चीज़ कंपनी ने एटलीस्ट मिटिगेट कर ली, इससे वो तो अब अवॉइड कर दिया। लेकिन आसपास या हाल फिलहाल में काफ़ी खबरों के बीच में चल रहा है, चाहे डेट रीपेमेंट हो, 5G रोल आउट हो, ब्लॉक डीले हो, सो चल क्या रहा है वोडाफोन में? आज बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में। सुमित, सरकार जब भी कभी किसी कंपनी को स्पेक्ट्रम देती है तो उसके साथ एक शर्त रखती है कि आप इस स्पेक्ट्रम की होल्डिंग नहीं करेंगे, आप इसके अंदर अपनी सेवाओं की शुरुआत करेंगे। तो जो भी टेलीकॉम कंपनी है उनको 2 साल पहले स्पेक्ट्रम दिया गया था, उनकी लाइसेंस की शर्तों में एक शर्त जोड़ी गई थी कि आप 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अपनी सर्विसेज शुरू कर देंगे। बाकी सारी कंपनियां अपनी 5G सर्विसेज का रोल आउट कर चुकी है, उनका कमर्शियल भी यूज कर चुकी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया इसमें काफी पीछे चल रहा था। तो कंपनी ने अब पेनल्टी के साथ अपने सर्विसेज का रोल आउट पूरा कर लिया। कंपनी के पास 5G जो 5G स्पेक्ट्रम है वो 17 सर्किल में और 2 स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर है। जो मैं सूत्र बता रहे कि कंपनी ने दोनों स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर अपना 5G स्पेक्ट्रम का रोल आउट पूरा कर लिया है, रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया। तो कंपनी के ने कंपनी के ऊपर इसके ऊपर पेनल्टी भी लगी है। कंपनी ने करीब करीब 1 करोड़ रुपए की इसको लेकर के पेनल्टी भी चुकाई है। लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक अगर कंपनी 15 अगस्त तक ये अपने सर्विसेज शुरू नहीं करती है, टेस्टिंग नहीं कराती, तो कंपनी का जो स्पेक्ट्रम था वो भी वापस लिया जा सकता था। तो वो एक खतरा यहां पर कंपनी के ऊपर सेटल गया। कंपनी ने अपना रोल आउट नेटवर्क टेस्टिंग करा दिया, आगे भी कंपनी अपना 5G सर्विसेज का रोल आउट जो है वो शुरू कर सकती है, बाकी कमर्शियल सर्विसेज भी वो शुरू करती है कर सकती है। लेकिन अभी कंपनी का जो फोकस है वो सिर्फ 4G सर्विसेज के ऊपर है। जो कंपनी के मालिक है वो पहले कह चुके हैं कि हम अगले 6 से 9 महीने के अंदर 5G सर्विसेज शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कंपनी की 5G सर्विसेज कुछ एक इलाकों में देखने की शुरुआत मिल जाए। एक बात बताएं, क्योंकि जो रोल आउट है 5G का वो शुरू हो चुका है, कुछ नए सर्किल्स के अंदर वो आता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है, कंपनी डेट रीपेमेंट की स्थितियों में भी है, सो जो सिचुएशन थी पहले कंपैरिजन में उसमें कितना फेरबदल मान के चलें, क्योंकि आप इसको बहुत सालों से ट्रैक कर रहे हो, सो आपको मतलब ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वोडाफोन की, कितना फेरबदल हुआ है पहले की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में, स्पेशली उस पूरे FEO के चरण के बाद? कंपनी अभी तक रोल आउट नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी को लगता है कि काफी ज्यादा कैपेक्स उसको करना पड़ेगा, काफी सारा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करनी पड़ेगी। तो कंपनी सिर्फ 4G के ऊपर लगातार फोकस कर रही है। कल भी कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो 4G सर्विसेज को ही बढ़ावा देंगे, तो 5G पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। और उस पर इतना रिटर्न आएगा क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि कभी अभी भी कंपनी के ज्यादातर सब्सक्राइबर जो है उनका बेस जो है वो 2G है, तो वो 2G के ऊपर शिफ्ट होंगे, 2G से 4G के ऊपर शिफ्ट होंगे, उतना रेवेन्यू दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो ये कंपनी के सामने एक स्थिति जो है सोचने की स्थिति है। तो इसीलिए कंपनी अभी प्योर फोकस अपना 4G के ऊपर करना चाहती है। कंपनी की मैनेजमेंट लगातार कह रही है कि हम 6 से 9 महीने के अंदर 5G शुरू कर लेंगे, लेकिन 5G का रोल आउट अभी फिलहाल कंपनी तरफ से इतना आसान नहीं दिखेगा। कंपनी के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डेट है और 2026 में कंपनी का मोरेटोरियम पीरियड वो भी खत्म होने वाला है। तो कंपनी को जब मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा तो कंपनी को कम से कम पहले साल ही 26,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी अभी फिलहाल ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं लेगी कि जहां पे उसको कैपेक्स छोड़ करके दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो कंपनी अभी प्योर जो है वो 4G के ऊपर ही फोकस कर रही है क्योंकि रोल आउट ऑब्लिगेशन पूरा करना जरूरी था, तो इसलिए कंपनी ने अपना रोल आउट ऑब्लिगेशन वो तय समय पर पूरा कर लिया।